पल भी पूरी पर जो इल्ज़ाम लगा है उसके बाद उनकी बेल मुश्किल मानी जा रही है। जी हां, उन पर माइनर के साथ बलात्कार करने का इल्ज़ाम लगा है। और सबसे बड़ी बात, ये साल 2019 का केस है और आईपीसी की 376 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। खबरों की माने तो पल जो है उनको कल देर रात गिरफ्तार किया गया और आज सैटरडे संडे है, हॉलीडे कोर्ट में उनकी पेशी के लिए उन्हें ले जाया गया है। लेकिन आईपीसी 376 का मतलब है हूएवर एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर इन सब सेक्शन 2 कमिट्स रेप शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच वन, यानी कि 10 साल की जेल की सजा, बट विच मे एक्सटेंड टू, उसको आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। तो ये बात जो है सामने आ रही है कि आईपीसी 376 में बेल होना काफ़ी मुश्किल होता है, हालांकि उनकी कोर्ट में पेशी है और जिस तरीके से एकता कपूर उनके सपोर्ट में आई है और सबसे बड़ी बात सपोर्ट के साथ उन्होंने उस सबूत का भी जिक्र किया है जो उनके पास है और उस बच्ची की मदर के साथ एकता कपूर की बातचीत हुई है जिसमें उन बच्ची की माँ ये साफ साफ कह रही है कि पल निर्दोष है, लेकिन उनका पति जो है जानबूझकर उसके नाम को घसीट रहा है। उनकी आपस की जो लड़ाई है उसमें ना सिर्फ वो बच्ची बल्कि एक, अगर मैं कहूँ तो, इनोसेंट पल पर भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं, इस बात का दावा एकता कपूर ने किया है। तो अब खबर ये आ रही है कि जिस आईपीसी के तहत पल पर केस दर्ज किया गया है उसमें बेल मुश्किल है। हालांकि एकता कपूर ने दावा किया है कि जो सबूत हैं उनके पास है, लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट में पेशी के बाद क्या पल को बेल मिल पाती है।